हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चूहे जब भी एंट्री करते हैं घर में तो वो बहुत ज्यादा परेशानी और चीजों का नुकसान भी करते हैं। वो हम लोग के महंगे कपड़े, गद्दे वगैरह तक को काट देते हैं, जिससे काफी नुकसान भी होता है। घर के खाने पीने वाली चीजों में ये मुंह मारते हैं, जिससे हमें उनको उठा करके फेंकना पड़ता है। ये जगह जगह पर बिल भी बना लेते हैं। गांव में बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। अगर हम लोग इनको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं बच्चे देने के बाद। इससे इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो इनको मारने के लिए कीटनाशक दवा डालते हैं, जिससे घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं, काफी बदबू भी आती है। तो आप इनको बगैर मारे घर से कैसे निकाल सके, ऐसा ही यूजफुल नुस्खा लेकर के आई हूँ, जिससे चूहे आपके घर से हमेशा के लिए घर से भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाय तो सभी लोगों को पसंद है और सभी के घर में रोज ही बनती है। तो आप एक काम करें, जब भी आप चाय बनाएं तो आपको क्या करना है, चाय पीजिए, अच्छे से एंजॉय करिए। उसके बाद जो इसकी चाय होती है उसको हम लोग बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन इसी की चाय पत्ती होगी ना, उसी से हम लोग आज चूहे को घर से हमेशा के लिए भगाएंगे, वो भी बगैर मारे। तो आपको क्या करना है, चाय आप पूरी छान लीजिए, थोड़ा सा जो चाय बची रहती है तो बस आप उसको इसमें रहने दीजिए। उसके बाद आप एक चम्मच की हेल्प से जितनी भी चाय पत्ती है और थोड़ी सी जो चाय है आप किसी भी बर्तन में इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक जगह चम्मच की हेल्प से इकट्ठा कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चाय भी रहने देना है, आपको बिल्कुल चाय पत्ती नहीं लेनी है। तो यहाँ देखिए, इतना हमारा निकल आया है। अब आपको क्या करना है, इसी चाय पत्ती का यूज हम लोग और भी चीजें डालकर इसको और ही पावरफुल बनाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है कोई भी एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है, जो बेकार पड़ी हो। अगर ना हो तो आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं, चाहे वो पेट दर्द की हो या किसी भी बदन दर्द की हो, आप उसको ले लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक टेबलेट लेनी है और उसको आपको हल्का सा थोड़ा सा पीस लेना है, थोड़ा सा दरदरा, ताकि जब भी हम लोग इसको इसमें मिक्स करें तो फटाफट मिक्स हो जाए और तुरंत गल जाए, हम लोग का नुस्खा बनकर के भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको कुटनी की हेल्प से अच्छे से इसको कूट लिया, ये आराम से वो भी हो जाता है, पाउडर बन जाएगा। बस आप इस दवाई के पाउडर को आप इस तरह से जो चाय का पानी और चाय की पत्ती हम लोग ने निकाली है, इसी में आपको डाल देना है। तो यहाँ दवाई का पाउडर डालने के बाद आप पूरी चाय पत्ती में अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, जिससे अगर थोड़े बहुत भी दाने होंगे दवाई के वो इसी में घुल जाएंगे। अब इस चाय पत्ती में और भी चीजें ऐड करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे ऐड करना है डिटर्जेंट पाउडर। आपके घर में कोई भी डिटर्जेंट पाउडर है जिससे आप कपड़े धोते हैं, आप यहाँ पे आधा चम्मच ले लीजिए और इसको पूरी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, जितनी भी चीजें हम लोग ने डाली है अभी यहाँ पर, तो ये मिक्स होकर बहुत ही अच्छा सा पावरफुल नुस्खा बनकर के तैयार होगा, जो चूहों को भगाने के लिए बहुत ही कारगर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आटा ऐड करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ज्यादा पतला ना रहे। तो ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा आटा और ऐड करूंगी। आप यहाँ पे बेसन भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये हल्का सा थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसको कैसे यूज करना है, आपको ले लेनी है घर में कोई भी, जैसे बासी रोटी रात की बच जाती है आप उसको ले लीजिए, क्योंकि जो चूहे आते हैं वो रोटी आप बहुत पसंद करते हैं। तो आपके पास अगर रोटी पड़ी हो तो आप रोटी इसको ले लीजिए और यहाँ पे जो हम लोगों ने बना करके तैयार किया है ना, आपको पूरी रोटी में फैला देना है। तो यहाँ आपके पास अगर रोटी नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे आटे की गोलियां भी बना सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा आप तैयार करेंगी तो ये बहुत ही मतलब यूजफुल रहेगा चूहों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, चम्मच की हेल्प से मैं पूरी रोटी में इस पेस्ट को लगा दूंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे से रोटी में चिपक जाए और बिल्कुल भी रोटी से बाहर ना निकले। अगर आप सूखा सूखा रखेंगी, थोड़ा सा ड्राई रखेंगी, तो ये निकल के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गीला ही रखा है, ताकि ये रोटी में अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने बचा दिया है, इसका भी यूज मैं आगे बताऊंगी। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो समय पे आप क्या करें। अब आपको क्या करना है, रोटी को इस तरह से रोल कर लेना है, ताकि जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है वो रोटी के अंदर ही रहे, वो बाहर बिल्कुल भी ना निकले। इस तरह से रोल करने के बाद आपको क्या करना है, चाकू की हेल्प से इसके छोटे छोटे पीस कर लेना है। जो थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है तो अच्छे से आप इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए, छोटे पीस हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चाकू की हेल्प से इसके पीस कर लीजिए, ताकि अगर हम लोग को कहीं भी इसको डालना हो तो एक एक पीस अच्छे से डाल सके। क्योंकि पूरी रोटी आप एक जगह ना रखिए, क्योंकि जो चूहे आते हैं वो चारों तरफ घर में घुमा करते हैं, तो छोटे छोटे पीस आप उनको जहां जहां रखेंगी वो जब भी घर में एंट्री करेंगे तो आसानी से उन्हें मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं और वहां पे थोड़ा सा जो मिक्सचर हम लोगों ने बचा कर रखा था
उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोटी ना हो तो आप पूरे मिक्सर को इस तरह से आटा मिक्स करके गोलियां बना करके तैयार कर लें। तो ये गोलियां भी आप जहां भी रखेंगे उसको चूहे खाने तो जरूर आएंगे। आपको और कई चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप रात में जब किचन साफ करते हैं तो गैस में बिल्कुल भी गंदगी ना छोड़े, गैस को जरूर साफ करके रखें, क्योंकि चूहे किचन में ही ज्यादा एंट्री करते हैं, उनको खाने पीने की चीजें मिली जाती हैं। आप अपना किचन सिंक भी बिल्कुल क्लीन रखें, जब भी उनको खाने पीने वाली चीजें नहीं मिलेंगी तो वो आपके किचन में एंट्री नहीं करेंगे। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कोई भी कूड़ा किचन में मत रखिएगा, क्योंकि जब चूहे आए आप इनको जहां भी रखें तो चूहे भूखे आके सीधे इनको खाएं, वो और भी चीजें बिल्कुल भी ना खा पाए। यहाँ देखिए सारी चीजें मैंने गोलियां और रोटियां रख ली हैं। अब आप इसको सुविधा अनुसार जहां जहां भी आपको ठीक लगता है आप रखिए। तो सबसे पहले मैं किचन में रखूंगी अपने गैस स्टोव के नीचे, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो ज्यादातर किचन में इसी जगह पे आते हैं, क्योंकि वो खाने पीने वाली चीजों को ढूंढते हैं। तो जैसे ही वो किचन में एंट्री करेंगे उसको तुरंत खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बेड के नीचे डाल दिया है, चूहे ज्यादातर बेड के नीचे ही अपनी जगह बना लेते हैं। देखिए उनको भगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको खाने के बाद वो गंदगी भी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन वो एक बार बिना मरे ही हमेशा के लिए घर से बाहर भाग जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुर्सी के नीचे, बेड के नीचे, मेज के नीचे सब जगह रख दिया है। तो यूजफुल ट्राई आइडिया है, इसको ट्राई जरूर करिएगा। यहीं पे वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।